In this video, I am showing you diode rectifiers, bridge rectifiers, diode operation circuits, bridge operation circuit, diode meter testing, bridge meter testing, and how is it work about 220 AC to DC converting and converter circuits. Assalamu alaikum, welcome to Deluxe Power Solution. मैं हूँ ऐसा नवाज. आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ कि आप ब्रिज रेक्टिफायर, डायोड्स, रेक्टिफायर्स को कैसे मल्टीमीटर के जरिए टेस्ट कर सकते हैं. मैं मल्टीमीटर को चेक करने का तरीका पहले आपको बता चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि मल्टीमीटर्स को चेक कैसे, मल्टीमीटर को ऑपरेट कैसे करते हैं. तो मल्टीमीटर के ज़रिए से आप, मेरे पास कुछ ब्रिज रेक्टिफायर्स हैं और कुछ रेक्टिफायर्स हैं, मैं आपको अभी चेक करने का तरीका इनको बताता हूँ, इनको कैसे टेस्ट करते हैं, सही कैसे होते हैं, ख़राब कैसे होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनता है, इनके इस्तेमालात क्या हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये सारा कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा. तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा. चलें जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. लें फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के डायोड्स हैं. मेरे पास ये डायोड है, ये इसको सिंपल डायोड कहते हैं, रेक्टिफायर है. उसके बाद मेरे पास हर किस्म की ये कुछ छोटे डायोड्स हैं, कुछ बड़े डायोड्स हैं. इनकी पावर में फ़र्क है. ये 10 एम्पेयर का डायोड है, इसमें इसी साइज़ में 6 एम्पेयर का डायोड भी आता है और ये हाफ एम्पेयर का डायोड है, इसमें 1 एम्पेयर भी आता है. और दूसरा मेरे पास, इसको कहते हैं क्रिस्टल डायोड होते हैं ये, ठीक है. इसका 4148 इसका नंबर है, इसका भी मैं आपको फंक्शन बताता हूँ. और मेरे पास कुछ ये हैं, ये एस एम डी डायोड्स होते हैं, सरफेस माउंट डिवाइसेस में लगने वाले डायोड. तो ये हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है ना, इसका क्या फंक्शन होता है. एस एम डी डायोड्स में भी आगे मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, उसमें मुख्तलिफ पावर्स होती हैं. तो ये जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म के डायोड्स हैं, ये इसको आप देख सकते हैं. इनको अब टेस्ट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ. ये मीटर है, मीटर को आपने इसको डायोड के ऊपर ला के रख देना है. तो ये इसका यहाँ पर ये देख रहे हैं फंक्शन, इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ. इसको कहते यहाँ पर ये इसका डायोड है, लेकिन यहाँ पर उसके अभी ओहम का निशान आ रहा है. तो इसको ओहम के निशान को चेंज करके हम डायोड के ऊपर ले आते हैं, ये डायोड का निशान आ गया. हमने जो कि डायोड की वैल्यू चेक करनी है, इसको डायोड के ऊपर ला के रखते हैं और फिर चेक करते हैं कि डायोड, ये पहले सिंपल डायोड लेते हैं. इसके अंदर ये इसका एनोड है, पॉजिटिव है, ये इसका कैथोड है. इसको मीटर यहाँ से यहाँ लगाते हैं तो हमारे पास इसकी डायोड की वैल्यू आ गई है कि ये इसकी 0.497 ये इसकी वैल्यू है. इट्स मीनिंग ये बिल्कुल ठीक है. तो दूसरा भी चेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे चेक करते हैं. इसको भी एज इट इज़ चेक करना है कि मीटर की प्रॉब पॉजिटिव पे लगानी है, डायोड के एनोड पे लगानी है और कैथोड पे मीटर की नेगेटिव प्रॉब लगानी है. तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. अगर हम इसको उल्टा के लगा देंगे तो ये कोई वैल्यू नहीं देगा, इट्स मीन ये ओपन है. हाँ, अगर ये उल्टा के तारे उल्टा के लगाने पर अगर ये वैल्यू दे जाए तो फिर इट्स के इसके अंदर मसला है, इसके डायोड के अंदर मसला है. डायोड लीकेज में है या कोई और मसला है, शॉर्टेज में है. इसको मीटर को प्रॉप्स उल्टा के इसके वैल्यू नहीं देनी चाहिए, ओपन आना चाहिए. और जैसे ही मैं इसकी प्रॉप सीधी लगाऊँगा वो मीटर के ऊपर वैल्यू आ गई है, इट्स मीन ये बिल्कुल ओके है. तो ये मेरे पास हैं कुछ ब्रिज रेक्टिफायर्स हैं. इनके इसका ख़ास फंक्शन ये होता है, इसके हम दो पॉइंट्स पे एसी वोल्ट देंगे तो ये आउटपुट पे हमें डीसी वोल्ट निकाल के दे देगा. ये चार डायोड के मिलाने से बनता है. मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि डायोड्स का इंटरनली सर्किट डायग्राम क्या होती है. ये इस तरह से करके इसका सिंबल होता है डायोड का. ये इसका एनोड होता है, इसका कैथोड होता है, इसकी पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव साइड होती है. जब हम इसको यहाँ पर एसी की पल्स देंगे तो ये आगे पॉजिटिव हमें निकाल के देगा. अगर हम इसके यहाँ से अगर हम इसको नेगेटिव साइड से अगर हम इसको पल्स देंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. इसके अंदर दो पीएन जंक्शन होते हैं जिसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं, PN. ये सारे इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं.
ये इसके इंटरनली सर्किट डायग्राम है जो मैं आपको दिखा दूँ। ये इसका पीएन जंक्शन है, इसका पॉजिटिव साइड मटेरियल होता है इंटरनली, ये इसका नेगेटिव साइड मटेरियल है। जब इसके हम पॉजिटिव साइड पे हम देंगे, ये इसका सेंटर में जो ये पॉइंट है, ये इसका ये जंक्शन होता है इसका, ये जंक्शन से क्रॉस करके आगे पॉजिटिव पोलैरिटी। यहाँ से अगर हम इस डायोड के नेगेटिव साइड पे अगर एसी पल्स देंगे तो आउटपुट पे हमें नेगेटिव मिल जाएगी। अगर हम डीसी साइड से इसको अगर हम वोल्ट पे नेगेटिव पे अगर डीसी पे पॉजिटिव देंगे तो एज अ स्विच ओपन ओपन हो जाएगा, एज अ स्विच भी काम करता है। तो मैं अब आपको दिखा दूँ कि ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर चार डायोड्स के मिलने से बनता है। थोड़ा सा मैं इसकी डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बनती है। नहीं जी, ये हमारे पास इसका ब्रिज रेक्टिफायर का मैंने सर्किट तैयार कर दी है। यहाँ पर इसके नहीं जी, यहाँ पे हमारे ये ब्रिज रेक्टिफायर तैयार है। ये चार डायोड के मिलने से ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। दो डायोड्स को ऐसे लगाया और दो डायोड्स को ऐसे लगाया, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। ये हमारे पास ये जो दो पॉइंट हैं, यहाँ पर हम इसकी एसी सप्लाई देंगे, यानी कि एसी सप्लाई जिसको हम साइनोसाइडली कहते हैं, और यहाँ से हमें ये इसकी डीसी आउटपुट मिल जाएगी। यहाँ से प्लस, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से हमें प्लस, इस पॉइंट पे हमें प्लस मिलेगी, इस पॉइंट पे हमें नेगेटिव मिलेगी। यहाँ से जब ये एसी पावर जाएगी नेगेटिव क्रॉस करके इस तरफ आ जाएगी, पॉजिटिव क्रॉस करके इस तरफ आ जाएगी। इस तरह से ये ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। मैं सिंपली ये चार डायोड्स मेरे पास ये पड़े हुए हैं, मैं इसका आपको बना के भी दिखा देता हूँ। इसी तरह ये देखें, दो डायोड्स हैं, ये सामने इस तरह से आ गए। इस डायोड की पॉजिटिव, इस डायोड की नेगेटिव, इस डायोड की पॉजिटिव के साथ मिला देते हैं। लें जी, ये मिला दी इसके साथ, ये हो गया। और इसी तरह से एक डायोड के पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ मिला दी यहाँ पर ऐसे। और ये जहाँ पर इनके दो डायोड्स के पॉजिटिव आपस में मिल रहे हैं, जहाँ दो डायोड के नेगेटिव मिल रहे हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया ऐसे करके, और इसको ऐसे जोड़ दिया। नहीं जी, हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर तैयार है। जैसे हमने डायग्राम बनाई थी, डायग्राम के मुताबिक हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तैयार है। इसके अंदर चार डायोड्स हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं, जिसमें दो के नेगेटिव यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, दो के पॉजिटिव यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और जो प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस यहाँ पर इसका ये बचा है। अब हम इसने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारा है डीसी आउट का, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ये हमारा एसी इन का है, यानी कि एसी इन यहाँ पर इसको नेगेटिव मिलेगी, तो यहाँ से कन्वर्ट होकर नेगेटिव हमें यहाँ मिल जाएगी, और इस तरफ से अगर पॉजिटिव साइन में जाएगी तो यहाँ से हमें ये दो पॉइंट हमारे हो गए हैं डीसी आउट के, ये दो पॉइंट हैं हमारे एसी इनपुट के। एसी इनपुट हम इसको 220 दें, 12 वोल्ट दें, जितने भी वोल्ट दें, ये आउटपुट पे हमें डीसी करके निकाल के दे देगा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन करके दे देगा। और यही सारा फंक्शन उन्होंने इसके अंदर बना दिया हुआ है लेटेस्ट करके। इसका भी मैं आपको फंक्शन बता दूँ, इसके अंदर इसके ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ प्लस माइनस क्या है क्या है। इसके अंदर सिंपल ये एक ये चीज़ बता सिंपल बता दिया जाता है। जो कट वाली साइड है, ये हमेशा इसकी पॉजिटिव साइड होती है डीसी। कट वाली साइड के जो ऑपोजिट साइड है, मतलब ये जो साइड है जहाँ पे ये कट लगा हुआ है इस ब्रिज का, ये इसका डीसी पॉजिटिव है, और ये इसका जो ऑपोजिट टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। और ये वाले जो दो टर्मिनल्स हैं इसके, ये 220 एसी के हैं, यानी कि एसी आप 12 वोल्ट दे दें, 20 वोल्ट दे दें, 100 वोल्ट दे दें, ये दो पॉइंट इसके एसी के हैं, और ये वाले दो पॉइंट इसके डीसी के हैं। इसके ऊपर किसी डायोड के ऊपर मेंशन होता है, ब्रिज के ऊपर किसी के ऊपर नहीं मेंशन होता, लेकिन इसकी बहुत बड़ी निशानी ये है कि इसके एक साइड पर कट होता है। कट वाली साइड हमेशा पॉजिटिव की होती है, पॉजिटिव के अपोजिट यहाँ पर ये नेगेटिव साइड होती है डीसी की। नहीं जी, ये हमारी थी आज की वीडियो। इसमें हमने आपको इसका क्रिस्टल डायोड का फंक्शन भी यही होता है, ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इस तरह की पैकिंग में आता है। नहीं जी, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी यहाँ आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सकें। और इसके बाद मैं आपको जाते जाते बता दूं कि SMD डायोड्स के बारे में। SMD डायोड्स आते हैं इस पैकिंग में। SMD डायोड्स सरफेस माउंट डिवाइसेस कहते हैं इसको। ये बिल्कुल लेटेस्ट किस्म के डायोड हैं जो हमारे लेटेस्ट किस्म के PCB बोर्ड्स में, सर्किट्स में, तो बिल्कुल उसके ऊपर पेश हुए आते हैं कंपोनेंट्स। इसमें ट्रांजिस्टर्स भी हैं, मॉसफेट्स भी हैं। आगे मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें बताता जाऊँगा।